आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। आपने तो गाइज बहुत सारे वीडियो को देख लिया कि माई 11 सर्कल में पैसा कैसे कमाए, इसमें माई 11 सर्कल में कैसे खेले, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे माई 11 सर्कल में एक बेहतरीन एक बेस्ट टीम बना पाएंगे, जिसमें कि गाइज आप यहाँ पे 49 रुपये में आप यहाँ पे लगाकर 1 करोड़ रुपए विन कर पाएंगे। जब तक एक आप यहाँ पे अच्छे टीम नहीं बनाएंगे तब तक आप यहाँ पे फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाएंगे। जब तक आपका बढ़िया टीम नहीं बने तब तक आपका रैंक 1 भी नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन में टीम कैसे क्रिएट करना है और टीम बनाने का मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है और इसमें गाइस आप लोगों को टीम बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि जैसे कि आज वाला मैच है जो कि यहाँ पे आज का मैच है राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे पंजाब किंग्स 11। सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिंपली इसमें गाइस आपको जाना है, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला कॉन्टेस्ट जो कि यहाँ पे 49 रुपये वाला है। इसका फर्स्ट प्राइज आपको देखने को मिलेगा 1 करोड़ प्लस ऑडी। उसके यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सेकंड प्राइज में आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपये देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ प्लस ऑडी कार दिखेगा, सेकंड प्राइज में आपको कंप्लीट आपको यहाँ पे 1 करोड़ दिखेगा। उसके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पे 33 रुपये वाला कॉन्टेस्ट जिसमें कि आपको यहाँ पे SUV कार प्लस 7.5 लाख रुपये दिखेगा। उसके यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 99 रुपये वाला कॉन्टेस्ट जिसमें कि आपको यहाँ पे iPhone 14 Pro Max दिखेगा, साथ ही उसमें आपको यहाँ पे 7.5 लाख रुपये दिखेगा। उसके नीचे जाएंगे तो आपको और भी कॉन्टेस्ट दिखेंगे, बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट से पहले आपको गाइस यहाँ पे जानना पड़ेगा कि टीम कैसे बनाएं। जब तक बेहतरीन टीम नहीं बनाएंगे तब तक आप यहां पर रैंक 1 नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं इसमें टीम कैसे बनाना। टीम बनाने के लिए सिंपली गाइस करना क्या होगा, नीचे आपको दिखेगा क्रिएट योर टीम का, सिंपली इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम बनाने का 2 रूल है। पहला, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान का मैच है और पंजाब का, तो राजस्थान का 11 प्लेयर पंजाब का 11 प्लेयर दोनों मिलकर हो गए 22 प्लेयर, तो उसमें से आपको अपना खुद का 11 प्लेयर को चूज करके एक टीम बनाना होगा। तो चलिए टीम बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, यहाँ पे बॉलर दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विकेट कीपर में संजू सैमसन को लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे राजपक्षे को लेता हूँ जो कि यहाँ पे राजपक्षे का भी एक अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ यहाँ पे पहले के मैचों में। उसके चलते बैट्समैन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिखर धवन, यहाँ पे आपको हेटमायर, यहाँ पे आपको दिखेगा SV जायसवाल। सिंपली मैं जायसवाल को लूँगा और मैं यहाँ पे शिखर धवन को लूँगा। चलिए मैं यहाँ पे ऑलराउंडर में चलते हैं। ऑलराउंडर में भी आपको अपने मन के मुताबिक लेना है। मैं यहाँ पे लूँगा राजा को, फिर मैं यहाँ पे सैम करन को, और फिर मैं यहाँ पे लूँगा जेसन होल्डर को। उसके बाद देखते हैं कि मैं यहाँ पे किसे लेने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई भी अच्छा टीम नहीं दिख रहा। सिंपली मैं चलता हूँ बॉलर में, और बॉलर में जब मैं जाकर लूँगा अरविंदर चहल को, मैं उसके बाद लूँगा यहाँ पे अर्शदीप सिंह को, फिर यहाँ पे टी बॉल्ड को, फिर मैं यहाँ पे राहुल चहर को लूँगा। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट टीम हो चुका है। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपना टीम को देख लेता हूँ कि मेरा जो कि टीम है वो यहाँ पे मेरा किस प्रकार से रेडी हुआ है। टीम देखने के लिए सिंपली टीम प्रीव्यू पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया मैंने विकेट कीपर, 2 मैंने लिया बैट्समैन, 3 मैंने लिया ऑलराउंडर, और मैंने 4 लिया मैंने यहाँ पे बॉलर। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि मैंने यहाँ पे टीम क्रिएट करके रखा हुआ, मेरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टीम रेडी भी हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से गाइज यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना। मैं आपको बता दूं कि जब भी टीम बनाएंगे तो आपको सबसे अच्छे तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन को चूज करना है, क्योंकि आपका जो कि मैच का जो कि यहाँ पे मेन पॉइंट होता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर आपने किसी को कैप्टन लिया और 100 पॉइंट मारता है तो उसको मिल जाएगा 200 पॉइंट, अगर किसी ने आपका वाइस कैप्टन वो यहाँ पे मारता है यहाँ पे आपको मिलता वो यहाँ पे मारता है 100 पॉइंट तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 150 पॉइंट। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करना वाला हूँ, मैं यहाँ पे राजपक्षे को लूँगा कैप्टन, और वाइस कैप्टन में बनाने वाला हूँ गाइज मैं यहाँ पे संजू सैमसन को। सिंपली सेव टीम पर टैप करते हैं और मेरा गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखेंगे, माई टीम पर जाने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टीम रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, अपने पैसे को किस प्रकार से ज्वाइन करने वाले हैं।
तो मैं आपके सामने में एक मैं यहाँ पे 49 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को मैं ज्वाइन करता हूँ। सिंपली आप लोगों को कॉन्टेस्ट ज्वाइन के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे देखेंगे माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन में आप अपना खुद का टीम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी यहाँ पे परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब गाइज मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि माई इलेवन सर्कल में अपना टीम कैसे बनाएंगे और उस टीम में पैसे कैसे लगाएंगे। वीडियो आप लोगों को यूजफुल वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।